back. Good morning everyone. I'm Nita और मेरा विषय है दलित नित्यानुनाय अपराधीकरण उत्कंठा और सुधार. ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली मेरे एमफिल डेलीगेशन का एक पार्ट है जिसमें मैंने जाति और लैंगिकता के परस्पर संबंधों पर बात की है उत्तराखंड के संदर्भ में. और ये जो मेरा पेपर है इसमें मैं खास तौर पर 20वीं सदी के टिहरी गढ़वाल के संदर्भ में जाति और लैंगिकता के बदलते आयाम तथा किस प्रकार जाति और लैंगिकता का संबंध व्यक्ति की सामाजिक भूमिकाओं अस्मिताओं एवं शक्ति संबंधों को प्रभावित करता है इस पर रोशनी डालना चाहूंगी. मैं खास तौर पर चार बिंदुओं पर इसमें बात करूंगी. पहला कि जो राज्य है वो इन दलित नित्यांगनाओं को किस तरह से देखता है और इनकी निगरानी नियंत्रण और अनुशासन के लिए जो एक तंत्र उपकरण का निर्माण करते हैं वो किस प्रकार से जाति विशेष है कास्ट स्पेसिफिक है. दूसरा कि जो समाज है खासतौर पर उच्च जातीय जो सुधारक है वो किस तरह से नित्यांगनाओं की अनियंत्रित यौनिकता को देखते हैं और उसके प्रति उत्कंठा को पेश करते हैं और इस एंजाइटी के द्वारा किस तरीके से वो समाज में नैतिकता की स्थापना करते हैं और नैतिकता जो पहले से स्थापित है उसे मजबूती प्रदान करते हैं. तीसरा जो बिंदु है वो है स्वयं जो दलित समाज है उसमें स्त्री पुरुष संबंध क्या है और क्या दलित समाज में पितृसत्ता का अस्तित्व है, यदि हाँ तो उसका स्वरूप कैसा है. और चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है मेरे इस पेपर का वो है कि स्वयं दलित नित्यांगनाएं अपने पेशे के संदर्भ में क्या विचार रखती हैं और उनका कैसा रवैया है और किस प्रकार से उनके पत्र और उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं राज्य द्वारा उनका उनकी छवि का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें दरार पैदा करती हैं और अपनी एक नई अस्मिता का निर्माण करती हैं. मैं जिन नित्यांगनाओं की बात करने जा रही हूँ वह उत्तराखंड की हिंदू वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान डोम वर्ण से हैं. डोम में भी ये जातियाँ चौथे स्थान पर आती हैं. कोल्टा ढाकी कुमरिया बेड़ा वादी हुड़किया बाजगी ढोली आदि ऐसी जातियाँ थी जो जातीय व परंपरागत तौर पर नाचने व गाने का कार्य कर रही थी. अन्य डोम जातियों के साथ में सामूहिक रूप से हरिजन व शाहूकार भी कहा जाता है. एटकिंसन ने इन्हें पेशेवर भिखारी खुमक्कर संगीतकार बताया है. 20वीं सदी में कोल्टा बाजगी ढाकी बेड़ा हुड़किया आदि दलित जातियाँ जो परंपरागत व जातीय तौर पर नित्यांगनाएं थी यौन कर्म के लिए शहरों की ओर उन्मुख होने लगी तथा सहारनपुर देहरादून दिल्ली अमृतसर लाहौर कराची इनके आकर्षण के केंद्र थे. देहरादून में बाबूगंज और मोती बाजार प्रसिद्ध वैश्यालय थे जिससे इनकी यौनिकता पर विमर्श उपजा और राज्य तथा सिविल सोसाइटी में उत्कंठा ने जन्म लिया. ये जो नित्यांगनाएं हैं इनकी जातीय पहचान व परंपरा के आधार पर वैश्यावृत्ति के संदेह पर इन्हें कानूनी निगरानी व नियंत्रण में रखा गया था क्योंकि वैश्यावृत्ति अपराध की श्रेणी में था इसलिए ये महिलाएं भी अपराधी थी और इनके साथ इनके अभिभावक प्रायः पुरुष ही इन जातियों के व्यवस्थित नियंत्रण की व्यवस्था दरबार सर्कुलर ऑर्डर नंबर 15 सन 1928 में की गई जो कि इन जातियों के जीवन में एक निर्णायक परिवर्तन लाता है. अब जो ये सर्कुलर है इसमें क्या बिंदु है जिसे मैं कास्ट स्पेसिफिक कह रही हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा. इसमें कहा गया कि ढाकी कुमरिया बेड़ा हुड़किया और ऐसी जाति जिनमें औरतों के नाचने गाने व पेशा कराने का रिवाज है या ऐसी जाति या खानदान जिसको दरबार समय समय पर औरतों से पेशा कराने वाला मुसाहर करे अगर अपनी लड़की या स्त्री या अपने कुनबे की किसी भी स्त्री को जो 50 वर्ष से अधिक उम्र की ना हो इलाके रियासत के बाहर सिवाय ब्रिटिश गढ़वाल के ले जाना चाहिए तो उसको पहले इलाके के सब डिवीजन ऑफिसर या अन्य कर्मचारी से जिसको दरबार इस काम के लिए नियुक्त करे इजाजत लेनी होगी. उक्त कर्मचारी यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उस लड़की या स्त्री आदि के ले जाने में उस मनुष्य का
अभिप्राय उससे पेशा या बच्चा ही कराना नहीं, तो वो किसी खास वक्त के लिए जो उस मनुष्य को साफ तौर पर बतलाना होगा उसको बाहर ले जाने की इजाजत दे देगा और पटवारी को इसकी इत्तला करेगा। अगर निश्चित वक्त के दरमियान वह व्यक्ति उस स्त्री को लेकर वापस ना आए तो पटवारी का फर्ज होगा कि वह इसकी रिपोर्ट सब डिवीजन ऑफिसर के पास करेगा। उस व्यक्ति का उस स्त्री से पेशा बद चलनी कराना साबित होने पर उसको 2 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपए तक का अर्थदंड या दोनों की सजा दी जाएगी तथा गांव के प्रधान का भी यह खास काम था कि यदि उपरोक्त जाति में कोई व्यक्ति अपने घर की स्त्री को बिना इजाजत परदेश ले जाए तो उसकी पटवारी के पास रिपोर्ट दे। तो ये पूरा सर्कुलर था और इसके तहत राज्य जो है वो इन दलित निकायों पर निगरानी व नियंत्रण रख रहा था। और जैसे कि हम देखते हैं ये निगरानी और नियंत्रण का जो पूरा उपकरण है ये जाति विशेष है और इसी दौरान कई जो ऑफिसर्स हैं जो नौकरशाही है उनकी जो आम प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। उसमें एक उदाहरण है 3 सितंबर 1947 को पुलिस कांस्टेबल उदय सिंह भंडारी द्वारा 57 औरतों की सूची पेश की गई जिन्होंने सर्कुलर नंबर 15 सन 1928 का उल्लंघन किया था। इसके अतिरिक्त राज्य से बाहर जो दलित नित्यांगनाएं थी उनके लिए भी नृत्य संगीत का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया। बहुत सी नित्यांगनाएं प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना कर रही थी और इसी संदर्भ में हम एक सब डिविजन ऑफिसर का विचारों को देखते हैं। वो कुछ इस अंदाज में कहते हैं, इन लोगों का खासकर इलाके गैर में पेशा कराने की ख्वाहिश रहती है और कराने में जिस बाबत इनको इजाजत नहीं मिलती है इसलिए इस तरह ये लोग तवायफ के बहाने से सर्टिफिकेट हासिल करते हैं और तब पेशा का काम करते हैं। ऐसी दरख्वास्तें इनकी बहानेबाजी ही है। इस तरह के जो वक्तव्य है वो बहुत ज्यादा है, जो समय को ध्यान में देखते हुए मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी। उपरोक्त बयान और एक विशेष जाति पर ये जो इल्जाम है वह उस वर्चस्व प्राप्त नजरिए को उन रूढ़ छवियों को दर्शाता है कि वैसा वृत्ति करना इनका स्वभाव ही नहीं बल्कि शौक भी है। अतः ये जातियां स्वभाव से ही अपराधी हैं, इसलिए इनके किसी भी बयान पर दरख्वास्त पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है तथा इस कौम के किसी भी मामले के लिए तर्क व तफ्तीश की कोई खास जरूरत नहीं है। इन दलित जातियों पर बिना किसी ठोस सबूत की जांच और कानूनी कार्रवाई चल रही थी। राज्य से बाहर जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही थी। राज्य द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन जातियों की गतिशीलता पर नियंत्रण द्वारा ही इनके द्वारा किए जा रहे अपराध पर विराम लगाया जा सकता है। ये जो जातियां हैं आप लोगों के जहन में जरूर 1871 का जो क्रिमिनल टाइप एक्ट है शायद वो आया हो। तो ये जो जातियां हैं क्रिमिनल ट्राइब के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया था और मैं क्योंकि खासतौर पर टिहरी रियासत की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे, किंतु इनके विषय में जो पूर्वाग्रह और रूढ़ छवियां थी वह अपराधी जाति के समान ही थी। दलित नित्यांगनाओं पर निगरानी और नियंत्रण का तंत्र था वह जाति विशेष था। उनकी जाति उनके व्यवहार और गुणों की स्थायी निर्धारक थी। सर्कुलर के नियम और प्रमाण पत्र की व्यवस्था स्पष्ट करती है कि राज्य के लिए ये दलित जातियां संदेहजनक थी। इन्हें राज्य वैश्यवृत्ति करने वाली जाति के रूप में देखता है। अब यहाँ पर मैं समाज का जो रवैया है खास तौर पे उच्च जाति हिंदू सुधारकों व पुरुषों का उस पर बात करूंगी और एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूंगी। यहाँ पर अशोक आश्रम के प्रमुख धर्मदेव शास्त्री टिहरी गढ़वाल के महाराजा को खत लिखते हैं और इसमें वो कहते हैं, आपके राज्य के अंतर्गत रामा सद्धु इलाका से कोर्ट दो जाति की अनेक स्त्रियां पेशा करने के लिए मैदानी शहरों में जा रही हैं। मुझे पता चला है कि आपने कानून द्वारा इस बुराई को बंद किया हुआ है व
परंतु आपके कर्मचारी कुछ पैसे लेकर इस बुराई को बढ़ाते जा रहे हैं। कृपया इस ओर कड़ाई का व्यवहार करके इस बुराई को बंद कीजिए। आपके राज्य की बड़ी बदनामी हो रही है, हमारे पहाड़ तथा जाति का अपमान हो रहा है। इस पत्र में नैतिकतावादी कूट है और बुराई की भाषा में प्रकट किया गया है। जो ब्राह्मणी आचार संहिता है उसमें विभिन्न जातियों के स्त्रियों की आचरण के लिए अलग अलग कठोर निर्देश हैं। जाति के आधार पर भिन्नता के बावजूद जो एक बात सामान्य थी वह यह कि जातियों के पदानुक्रम में हायरार्की में किसी जाति की स्थिति के लिए उस जाति की स्त्री का आचरण निर्धारक था। और यहाँ पर आचरण का सीधा संबंध यौनता से भी है। इस प्रकार राज्य के स्तर पर सामूहिक रूप से सभी स्त्रियों पर राज्य की इज्जत और को बरकरार रखने या उसे ढोने की जिम्मेदारी थी। सिविल सोसाइटी इसी इज्जत या सम्मान के प्रति चिंताग्रस्त थी, जिससे नित्यांगनाओं की अनियंत्रित यौनिकता चोट पहुंचा रही थी। उच्च जातीय पुरुषों की चिंता के दोहरे आयाम थे। एक ओर नित्यांगनाओं की अनियंत्रित यौनिकता राज्य की इज्जत के लिए खतरा पैदा कर रही थी, सिविल सोसाइटी में उत्कंठा पैदा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर इसी अनियंत्रित यौनिकता के माध्यम से सिविल सोसाइटी समाज में अच्छी स्त्री और अच्छे जीवन के मापदंड निर्धारित कर रही थी अथवा पहले से स्थापित मापदंडों को मजबूती दे रही थी। इस प्रकार उपरोक्त उत्कंठा के द्वारा समाज में प्रसारित हो रहा था कि अनियंत्रित यौनिकता एक सामाजिक बुराई है, इसे तुरंत रोका जाना अनिवार्य है। यहाँ पर अपने दलित समाज में स्त्री पुरुष संबंध परस्पर क्या है उस पर कुछ बात करना चाहूंगी। आमतौर पर कई दलित चिंतक यह मानते हैं कि दलित स्त्रियां अपेक्षाकृत कम शोषित हैं। कारण ना तो उनको पतिव्रता बने रहने का निर्वाह करना पड़ता है और ना ही अपने पतियों को पूज्य मानने के लिए बाध्य है। इसके साथ ही इज्जत, आदर, मर्यादा, लाज का ख्याल ऊंची जाति की स्त्रियों को अपना दर्द जाहिर करने से रोकते हैं। लेकिन दलित स्त्रियां इस तरह की किसी बंधन से नहीं बंधी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दलितों में पितृ सत्ता नहीं है। यहाँ पर मैं एक दलित नित्यांगना हीरा उनका जो पत्र है उसे डिस्कस करना चाहूंगी और उसके बाद में निष्कर्ष की ओर बढ़ूंगी। 14 मई 1947 को हीरा नाम की दलित स्त्री टिहरी राज्य के महाराजा को खत लिखती है और वो कहती है, मैं एक जवान स्त्री हीरा, पिता का नाम लक्ष्मण दास, गोहाना की निवासी हूँ। अपनी दुर्भाग्य के कारण मैं लंबे समय से वैश्या हूँ, लेकिन अब मैं इस पेशे को छोड़ना चाहती हूँ तथा मोहम्मद अशरफ खान सरकारी ठेकेदार हौज मुजफ्फर खान तुर्कमान गेट पुरानी दिल्ली के साथ शादी करना चाहती हूँ, जिससे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अनुरोध करती हूँ कि मुझे ऐसा करने की अनुमति दी जाए। हीरा का यह पत्र और इसके बाद हीरा के पिता लक्ष्मण दास झा की 27 अगस्त 1947 को लिखित तौर पर अपना बयान देते हैं। मुसलमान हीरा बेटी लक्ष्मण दास मौजा गवाना यही बाराहाट वाली इस वक्त देहरादून में है, जो कि गाने बजाने का काम करती है। मैं लक्ष्मण दास गवाना वाला जाहिर करता हूँ कि मेरी लड़की की कोई दरख्वास्त शादी के बाबत पेश नहीं है और न उसका शादी करने का विचार है। यह दरख्वास्त किसी दुश्मन ने झूठी पेश की है। उपरोक्त बयान दलित सत्ता के पेचों को खोलता है, इस पर मैं आगे डिस्कस करूंगी। हीरा का 20 अप्रैल 1949 का चीफ मिनिस्टर टिहरी गढ़वाल को पत्र उसके पिता के उपरोक्त बयान की तहों को खोलता है। हीरा के शब्दों में, मुजारी से की साइलक की उम्र 26-27 साल है और मेरे माता पिता ने मुझे गाने बजाने के काम से 14-15 साल की उम्र से ही रख लिया था, जिससे मुझे टिहरी दरबार से अजाजत सुलह का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और अरसे के अंदर मैंने इनको अपने माता पिता को हजारों रुपये कमा कर दिए। साल मुबिरखा में जो घर आई मुझे अपनी कमाई का कुछ नहीं आया, दिल को सदमा हुआ। इस वक्त तो जवानी है, बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी। ये हीरा का दूसरा लेटर था। उपरोक्त कथन से अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसे दलित पुरुष द्वारा
लेटर्स भी हैं। अब यहाँ पर मैं जो स्त्रियां हैं वो राज्य द्वारा समाज द्वारा जो उनकी छवि फेरी जा रही थी उस पर किस प्रकार से प्रहार करती हैं उस विषय में बात करना चाहूंगी। राज्य द्वारा स्त्रियों को एक पीड़िता के इसमें बात करो लेकिन मुख्तसर। तो यहाँ तक तो मैंने मीरा के पत्र से आप देखते हैं कि वो पितृसत्ता पर क्या है प्रहार करती है उसे चुनौती देती है। यहाँ पर 1949 में दलित नित्यानुनाव ने एक मेमोरियल स्मृति पत्र गढ़वाल के राजा को भेजा था और उसमें वो कई बिंदुओं के माध्यम से अपना जो पेशा है उसके समर्थन में बोलती है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो यह था कि इन दलित नित्यांगनाओं का संघर्ष केवल जीविकोपार्जन के साधन व राज्य में आवागमन की आजादी तक ही नहीं था बल्कि सामाजिक स्तर पर रचे गए अर्थों परिभाषाओं और अस्मिता के बरक्स भी था। इसका जो वो कहती है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बोलती है टिहरी गढ़वाल ने प्राचीन काल से उनका सामाजिक जीवन अस्तित्व का रहा है और वो बोलती हैं कि सुदूर अतीत में भी लगभग सभी राजाओं के पास पेशेवर संगीतज्ञ और नर्तक हुआ करते थे। विक्रमादित्य और भोज इस कला के प्रबल पूजक थे तथा सर्वोच्च प्रतिभा को राज नर्तक एवं संगीतज्ञ के रूप में रखते थे। मैमरलिस्ट नृत्य और संगीत के उसी स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि उन प्रतिष्ठित संगीतकार और नर्तक के उत्तराधिकारी हैं। ये महिलाएं कहती हैं कि मैमरलिस्ट के प्रयास की वजह से ही देशवासी कला को अपने घर स्कूल और अकादमिक जगत में पुनर्जीवित करने के योग्य हो पाए हैं। इस प्रकार ये अपनी एक हीन से एक उच्च की अस्मिता का निर्माण करती हैं और कला के रक्षक होने का दावा करती हैं। और राज्य द्वारा जो वैश्य एक नृत्य संगीत करने वाली और एक ऐसा व्यक्ति के बीच में जो एक संगीत एक संबंध कायम किया गया है उसको चुनौती देती है और अपनी पेशे की एक सकारात्मक छवि को पेश करती है। ओके थैंक यू वेरी मच।